अंतर्गत सिकिदरी पनबिजली योजना में मरम्मत अनुरक्षण का जो काम 2-2.5 करोड़ रुपए में होना चाहिए था, उस काम के लिए आदेश दिया गया 24 करोड़ रुपए का, और वह काम भी पूरा नहीं हुआ, घटिया काम हुआ। ये मामला मैंने मई 2012 में उठाया था, तब से उठा रहा था। राष्ट्रपति शासन में जांच का आदेश हुआ, भारत सरकार को लिखा गया, केंद्रीय विद्युत प्राधिकार ने इसकी जांच किया, जांच की रिपोर्ट आ गई है। जांच की रिपोर्ट मई से झारखंड सरकार में पड़ी हुई है और झारखंड की सरकार इस जांच की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परसों हमारे मुख्यमंत्री का बयान छपा अखबारों में कि 15 दिन के भीतर भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई कराएंगे, तो मैंने उनसे अनुरोध किया है और 15 दिन का समय दिया है। वह विश्वकर्मा पूजा के पहले तक तो इस काम को करा दीजिए, और नहीं कराइएगा तो फिर हम लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा कि ये काम हो, आपके माध्यम से हो या आपके अलावे सीबीआई से हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से हो, कहीं से भी हो, ये काम कराना है। क्योंकि एक तो राज्य में बिजली की हालत बहुत ख़राब है, बिजली में सुधार नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ बिजली विभाग लूट का अखाड़ा बना हुआ है। तो इसी मामले को मैंने आज प्रेस मीडिया के सामने रखा है। क्या लग रहा है कि बड़ा घोटाला सामने आने वाला है? यानी घोटाला सामने आ गया है। हमने मई 2012 में ही सारे सबूत उस समय की सरकार को दे दिया। उसके बाद दिसंबर तक मैंने 5 चिट्ठियां लिखी, 5 बार और नए नए सबूत दिए। राष्ट्रपति शासन में जांच के लिए भारत सरकार को कहा गया, भारत सरकार ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकार से जांच कराया। जांच में हम लोगों के सभी आरोप सही साबित हो गए हैं कि 2-2.5 करोड़ का काम 24 करोड़ में दिया गया है, 4 करोड़ रुपया बिना किसी बैंक गारंटी के एडवांस कर दिया गया है, जो काम होना था वो काम नहीं हुआ है, 14 काम का प्राकलन बनाया था सिकिदरी के इंजीनियरों ने, उसी काम को तोड़कर 35 काम कर दिया गया है, उसमें से भी जो एक बड़ा काम था वो काम नहीं हुआ है, काम होने में देरी हुई 1.5 महीने की, जिसके कारण करीब 40 करोड़ रुपया बिजली बोर्ड को बिजली का उत्पादन ठप रहने के कारण हुआ। ये सभी बात उसने सीए के 3 सदस्यीय जांच समिति ने मान लिया, तो उस जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भेल भारत सरकार की संस्था है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, और बिजली बोर्ड झारखंड सरकार का है। तो एक लूट करने का नया सिलसिला चला है कि भारत सरकार के किसी उपक्रम को काम दे दीजिए और जितना मांगे उतना काम दे दीजिए, और कहिए कि पैसे का ट्रांजैक्शन तो झारखंड सरकार और भारत सरकार के उपक्रम के बीच में हुई है। तो जो काम 24 करोड़ में आदेश दिया गया, उसी काम को भेल ने 15 करोड़ में एक निजी पार्टी को दे दिया। तो ऐसे ही 8-8.5-9 करोड़ रुपया भेल ने पचा लिया। तो भारत सरकार के जो संस्थान हैं वे सीबीसी के गाइडलाइन से बंधे हैं, और जांच में भी साबित हो गया है कि सीबीसी के जो गाइडलाइन हैं उनका भी उल्लंघन भेल ने किया है। तो भारत सरकार की संस्थाएं राज्य के काम में इस तरह से मुनाफाखोरी कर रही हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं, उसका यह एक उदाहरण है। आज पूरे भारत की अर्थव्यवस्था खराब होने का बड़ा कारण माना जा रहा है कि विदेश से या बैंक से या कहीं से हमने ऋण लिया 100 रुपये का काम कराने के लिए, उसके बदले काम कराया 40 रुपये का, और बाकी 60 रुपया डर्टी बनी हो गया, भ्रष्टाचार का धन हो गया। तो इसके कारण से काम कम खर्च ज़्यादा, और ये उसका एक उदाहरण है। इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था की खस्ता हाल स्थिति जिन कारणों से है, उसी तरह का ये काम है। ये कौन के पीछे कोई नाम बता रहे हैं? नहीं, नाम हम लोगों का बिजली बोर्ड के सारे पदाधिकारी हैं, बोर्ड है, बोर्ड में चेयरमैन होते हैं, बोर्ड में मेंबर्स होते हैं, बोर्ड में भेल ने दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को, तो जो भेल के चेयरमैन हैं, भेल की बड़ी है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और हमने यही कहा था कि इसी तरह का काम और जगहों पर हुआ है जहाँ काफ़ी कम पैसे में हुआ है, उसका उदाहरण मैंने दिया था। सीए ने भी पूरी जांच नहीं किया है, इसकी पूरी जांच अगर हो तो और नए तथ्य निकलेंगे, मगर सीए ने जितनी जांच किया है वही जांच ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि इस मामले में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और राज्य के खजाना की लूट हुई है। क्या कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? सीबीआई ने तो खुद सारे कागजात दिया है और सीबीआई इसकी जाँच कर रही है।
जांच करके सीबीआई ने कोई निष्कर्ष निकाला, मगर उस निष्कर्ष को दबा दिया गया सीबीआई में भी। इसलिए सीबीआई के खिलाफ हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जाएंगे कि सीबीआई को कार्रवाई जो करनी चाहिए थी वो किस कारण से कार्रवाई अब तक सीबीआई ने किया नहीं। सारे कागजात उसके पास हैं, इसका हम लोगों को भी सबूत है। तो इसलिए हमने हेमंत जी से कहा है या तो कार्रवाई कराइए, नहीं तो सीबीआई कहिए कि जो रिपोर्ट उसने जांच करके तैयार किया वो रिपोर्ट हमको दे दे ताकि उसके आधार पर कार्रवाई हो। तो इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि राज्य में बिजली की हालत ख़राब हो रही है, लोग बिजली के बिना त्राही त्राही कर रहे हैं और राज्य की सरकार बिजली बोर्ड इस तरह के काम कर रहा है। क्या मामला है सर?